देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। शामली में प्रमुख सचिव कृषि का भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सबसे पहले शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने शामली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां डिस्पेंसरी, इमरजेंसी, ओपीडी, महिला वार्ड और पुरुष वार्ड के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना को लेकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल के चिकित्सकों एवं आयुष्मान भारत योजना नोडल अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वह जिले के विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान डीएम अखिलेश सिंह, सीएमओ संजय पटनाकर के साथ साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी सरकारी संस्थाओं में प्रमुख सचिव के दौरे को लेकर हड़कंप मचा रहा। खामियां की बात नहीं है, निरीक्षण किया और अभी जिला अस्पताल शामली का बनना है, निर्माणाधीन है ये आप जानते हैं, और अभी यहीं पर सारी कार्रवाई हो रही है। तो ये देखा मैंने कि मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ, और 700-800 नए मरीज हर दिन आ रहे हैं, इतने ही पुराने भी आ रहे हैं, फुटफॉल बहुत है। और जो अस्पताल देखा मैंने, वो मुझे जो देखने से लगा कि ये व्यवस्थित अस्पताल है। जो भी इनके जो फार्मेसी वगैरह का जो था, दवाएं स्टॉक की गई हैं वो ढंग से की गई हैं, बाकी डॉक्टर्स भी सब अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं, तो अच्छा है। मरीजों की सेवा हो, आयुष्मान भारत का लोग अधिक से अधिक उपयोग करें, और जो उसमें छूट गए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जी की अलग से योजना है, जन आरोग्य योजना है, उसका लोग लाभ उठाएँ और जो अपने आप को स्वस्थ रखें, यही अच्छी बात है। वार्ड में एडमिट पेशेंट्स का फीडबैक क्या रहा है? वार्ड में एडमिट पेशेंट्स का फीडबैक अच्छा है। जो बच्चे वहाँ थे या उनकी माताओं से मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि बच्चा कल काफ़ी बीमार था, आज ठीक रह रहा था। वो स्वास्थ्य विभाग देखेगा।